नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। पाकिस्तान की सेंट्रल जेल से 23 जनवरी को रिहा होकर महोबा अपने घर पहुंचे सुनील कुशवाहा को देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वर्षों से पलके बिछाए परिजन उनके आने की राह देख रहे थे। सुनील के घर वापस आने पर परिजनों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। करबई ब्लॉक के लिलवाही गाँव के रहने वाले सुनील कुशवाहा को अक्टूबर 2017 में पाकिस्तानी नौसेना ने पोरबंदर गुजरात के पास समुद्र में मछली पकड़ते समय गिरफ्तार किया था। 4 वर्ष से अधिक पाकिस्तानी जेल में बंद रहने के बाद 23 जनवरी को सुनील को रिहा किया गया और जैसे ही सुनील के घर आने की सूचना परिजनों को मिली उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके आने पर पलके बिछाए बैठे बच्चे और पत्नी खुशी से झूम उठे। चलिए सुनते हैं सुनील कुशवाहा का अपनी रिहाई को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है, मेरे पिताजी का नाम प्यारे लाल है और मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला महोबा तहसील महोबा पोस्ट छानी थाना कबरई ग्राम लिलवाही का रहने वाला हूं और मैं नौकरी करने गुजरात ओखा गाय बंदर से मच्छी की लाश में मछली का धंधा करने समुद्र में गया था। वहां से हम लोग बॉर्डर के पास से हमको पाकिस्तान फौज एयरफोर्स नेवी ने पकड़ के पाकिस्तान। सुनील ने बताया कि मैं गुजरात के ओखा में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था जहां मैं समुद्र में मछली पकड़ने का काम किया करता था और समुद्री सीमा पर पाकिस्तानी नौवी ने हम लोगों को पकड़कर कराची के सेंट्रल जेल में रखा जहां हम 4.5 साल बंद रहे। मोदी सरकार ने 20 लोगों को जेल से छुड़वाया और 23 जनवरी के दिन हम लोगों को हिंदुस्तान के बॉर्डर पर गुजरात सरकार के हवाले किया। चलिए अब सुनते हैं खुशी से झूमी हुई उनकी पत्नी जो है रेखा, उनका उनकी रिहाई को लेकर क्या कुछ कहना है। काम करते थे समुद्र में, मजदूरी करते थे तो वहाँ से पकड़ गए थे, तो वहाँ बंद हो गए, पाकिस्तान वाले पकड़ ले गए, छूटे हैं 5 साल में। उन्होंने बताया कि हमारे 4.5 साल बड़ी कठिनाइयों के साथ गुजरे, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब पति के आने पर हमें समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।